नमस्कार प्रणाम सब कोई के, आप सबके भाई अखिलेश कश्यप और एगो भोजपुरी के हम छोट मोट गीतकार, और एजा कोनो गाना के एल्बम के प्रचार करे को कुछ के प्रचार करे और ना हम ई कहे कि हमार गाना सुनिए। हम आज देखनी है कल से ही देखा था कि कुछ भोजपुरी के बुद्धिहीन कलाकार जेकर माथा भ्रष्ट हो गई बा दू गो ज़्यादा व्यूज पावे खातिर स्वर्गीय सुशांत सिंह राजपूत जी पे गाना गावता लोग। दू दिन जब वहाँ के गुजरनी ओकरा एक दिन तक पूरा पोस्ट भइल शेयर भइल सब कोई रोवल गावल एक बाद खत्म। वो लोग हमारे बिहारियों को हमारी भोजपुरी भाइयों को वो लोग कमजोरी पकड़ लिया। वो लोग जानता है बॉलीवुड वाले चाहे बॉम्बे के जितने भी बड़े लोग हैं वो सारे लोग जानते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों की औकात वो परख लिए क्योंकि हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते हैं। हम लोग दो दिन गाली देंगे, पुतला फूकेंगे, गलियाएंगे फेसबुक पे, उसके बाद हम लोग का कुछ औकात नहीं है। अगर अगर उन लोगों को हमारी औकात के बारे में डर रहती तो वो लोग अब कोई दिक्कत नहीं है, दो दिन में सब कुछ सॉल्व हो गया। अब कोई देख रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। ऐसे हमारे भोजपुरी, ऐसे हमारे बिहार के लोगों के साथ ऐसी कितनी घिनौनी हरकतें करते होंगे वो लोग, लेकिन हम लोग चुप हो जाते हैं, हम लोग मुद्दा ही नहीं बनाते हैं इस चीज़ का। लेकिन अभी हम लोग को एक एकजुट होना है, तैयार होना है अभी, क्योंकि हमारा भाई हमारा शेर हम लोगों के बीच से गया है। हम लोग कहीं बैठते थे तो बहुत गर्व महसूस होता था कि कोई बिहार का शेर है बॉलीवुड में अकेले झंडा गाड़ा है। और भले आँख इतना दिल में दर्द है, रोना ही रोना नहीं होता है, लेकिन हम तो तीन चार दिन से बिल्कुल ही हम लोग डिस्टर्ब हैं, सारे काम धंधे को लेके बिल्कुल माइंड अपसेट है, कुछ हो नहीं पा रहा है। क्योंकि हम लोग का एक वैसा नौजवान हम लोगों के बीच से चला गया है जिसकी पूर्ति कोई नहीं कर सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि अगर इस तरह से रहेगा तो हमको लग रहा है कि बिहार के वैसे हर कलाकारों के साथ वो लोग अन्याय करते रहेंगे और हम लोग देखते रहेंगे। क्योंकि उन लोगों का, वो लोग हमारी औकात जान गए हैं, वो लोग का परिवार बाद और अपना हितैषी करेंगे, भतीजा बाद, बेटा बाद, बेटी बाद, सब कुछ उन लोग का चलेगा। क्योंकि बिहार की प्रतिभा इतनी ज़्यादा है कि हमारे बिहार के सबसे ज़्यादा पूरा दुनिया में, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर IAS कहीं बनते हैं तो हमारे बिहार में बनते हैं। हमारे बिहार के जो हम लोगों का मेहनत होता है, कार्य क्षमता होता है, वो सारे ऑल ओवर इंडिया के लोग जानते हैं कि बिहारी सबसे बहादुर इंसान होता है। हम लोग जिस दिन अपने जीत पे आ जाएंगे उस दिन पूरा दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जीत पे आ कहाँ रहे हैं। अगर हम लोग आज जीत पे आ जाएंगे तो सुशांत सिंह के मारने वाले और उनसे जुड़े हर वो साजिश जो साजिश करता है, जो उनको मजबूर करके डिप्रेट करके उनको मार दिए, वैसे हर वो इंसान सामने आ जाता हम लोग उनका विरोध करते तो। लेकिन हम लोग बैठे हैं, हम लोग को अब जगना होगा कि उन लोग, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं हुआ है। हमारा उनसे क्या रिश्ता था, सुशांत सिंह का कोई खून का रिश्ता नहीं था, ना वो मेरे भाई थे, लेकिन मुझे सबसे बड़ा रिश्ता मेरे साथ ये था कि वो बिहार के थे और मैं उस बिहार से बिलोंग करता हूँ जहाँ के सुशांत सिंह राजपूत जी रहने वाले थे, और मैं उसी बिहार के रहने वाला हूँ। अगर मैं बाहर कहीं भी जाता था, दिल्ली हो, पंजाब, बॉम्बे, कहीं भी हम लोग जाते थे तो ये तो फख्र के साथ बोलते थे कि अपने घर का लड़का है बॉम्बे के सुशांत सिंह। इतनी बड़ी बड़ी सिनेमा उन्होंने हिट दिया, इतना अच्छा लेवल उस पे वैसे इंसान को, और हम लोग जब चुप हैं, हम लोग को बदला लेना है, हम लोग विरोध करेंगे, चाहे वो करण जौहर हो, सलाह, चाहे सलमान खान, कोई भी हो, तोप खान, कोई भी हो, हम लोग से बड़ा बाहुबली कोई नहीं है। हम लोग बिहारी हैं, सौ लोग पे भारी रहते हैं, तो हम लोग को बदला लेना है और उन चुतियों को दिखाना है कि ऐसे मासूम की, एक मासूम का वैसा जान ले लिया मजबूर करके, प्रताड़ित करके उसको, वो बेचारे मजबूर हो गए। आदमी बोलता है कि आत्महत्या क्यों किया, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। हर जगह इतना बड़ा बड़ा सिनेमा देने के बाद उनको कोई नहीं पूछा, हर शो में उनकी बेइज्जती हुई, वो बेचारे प्रताड़ित हो के वो अपनी जान दे दिए। लेकिन हम लोग इस बलिदानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे, हम लोग इसका बदला लेंगे। हम लोग सलमान खान, करण जौहर, चाहे कौन नडियाला फडियाला है, सबका विरोध करेंगे। कोई बिहार में सिनेमा नहीं चलेगा, अब बिल्कुल विरोध होगा। अब हम लोग सारे भोजपुरी के कलाकार करेंगे, और अपने चीन और भारत में जो झड़प हुई है उसमें भी हमारे जितने भी वीर सपूत शहीद हुए हैं सबको हम श्रद्धांजलि देते हैं। अभी हमारा देश इतना विकट और दुख की स्थिति से गुजर रहा है, महादेव से, भोलेनाथ से यही प्रार्थना करेंगे कि बहुत जल्द
और सब कुछ सही हो जाए और हम लोग का देश ऐसे ही हंसते खिलखिलाते रहे, क्योंकि हम लोग को भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम लोग हमेशा हंसने खेलने वाले इंसान हैं। लेकिन सुशांत सिंह जी का बदला चाहिए। एक कलाकार आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा है कि ऐसे ही अगर हमारे बिहार के कलाकारों का पतन होता होने लगेगा। और आप सबसे एक और बात है कि 25 तारीख को आप सब ट्विटर पर हैशटैग डाल के बॉलीवुड खेसारी लाल यादव टैग कीजिए और सबका बदला लेना है, तो उधर खेसारी भैया को हम लोग को बॉलीवुड में एंट्री कराना पड़ेगा, क्योंकि अपना ये शेर जाएगा तो अकेले पूरे बॉलीवुड को कबार के फेंक देगा। धन्यवाद सबको।